तुम्हारी बहन बन गई हूँ, पहले इतनी कस्में उठा के बहन बन गई हूँ अब मैं। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें ड्रामे कर रही हूँ, ड्रामे कर रही हूँ आपके साथ, ये ड्रामे कर रही है, ड्रामे है। उस समय तो बड़ी कस्में उठा रहे थे, मैं घर लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बहुत कम हो, कोई सबूत दिखाओ को मेरे, आपके साथ मेरी कोई पुरानी पिक्चर है? जी बिल्कुल है, सेल्फी है मेरे पास। वेला मुंडा की ना दूसरी शादी हुई हुई है। वेला मुंडा कितना गलत इंसान है, मैं तो यार गलत यार सीधी गल है, कहीं जिंदगी उजाड़ना। मैं कोई ऐसा इज्जत तक जित गई, तू सारा पग मान भी रहा है। इसने शादी की थी मुर्शिद ने कहा था मैं घर बात कर लूंगा, फिर इसने चोरी शादी कर ली इधर आप लोगों के कहने पे, पहले जब मेरे पास आता था फिर इसने छोड़ दिया ना वहाँ पे। मेरी वाइफ है ना। हाँ चल चल चल, मेरी बीवी है तो सा कैमरे के बात चली। सवेर से सारे के भाभी इतना रोनी है कि छोड़ गाल सबको आप को रोना आती है, भाभी अलग गाली सुन कहते हैं खर्चा तक नहीं भेजा था, इंसानियत ही मौक गई यार। मुझसे कल रब्ता किया और वो मुझे कह रही थी कि मेरे से ना वेले मुंडे ने की हुई है शादी और आप लोग उसकी बहने हो तो आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करनी है। ये सुनकर कसम से हमारे घर वाले सारे हो गए परेशान कि मतलब ये क्या हुआ कि भाई शहजाद ने दूसरी शादी की हुई और किसी को बताया भी नहीं हुआ। तो उसने हमें बुलाया चौक मुंडे कि आप लोगों ने प्लीज मेरी सपोर्ट करनी है और मतलब ले शायद मेरे पास नकाह फार्म वगैरह भी है तो वो कह रही है तो वो आप लोगों को सब कुछ जाके आगे वीडियो में दिखाते हैं कि निकाह फार्म है कि नहीं, मतलब खुद भी देखते हैं। और मैंने भाई रिजवान की तरफ कॉल की है कि मतलब आपके भाई ने ऐसा ऐसा किया हुआ है कि उसने शादी की हुई है तो आप भी आए, आप भी सपोर्ट करें क्योंकि मतलब भाई रिजवान कह रहे नहीं झूठ है ये है वो है, तो नहीं आज निकाह फार्म भी भाई रिजवान को दिखाते हैं क्योंकि उसने कहा है कि मेरे पास निकाह फार्म भी है। तो अभी फिलहाल हम लेने जा रहे हैं कापियां पैसों की क्योंकि अगर निकाह असली का हुआ तो हम अब उसका घर वसा के आएंगे। किस राय की उर्दू इच की यकीन है वसा के मतलब उनका घर चला के। भाई ने भी न्यू शो नहीं गाइस सीरियसली वो एक लड़की है और किसी की घर तबाह होते बंदा नहीं देख सकता। मतलब ये शादी से पहले उसने शादी की हुई है, पहले मिलता था सारा कुछ मतलब खर्चा पानी देता था, अब कब काफी टाइम से वो कह रही है मैं बर्दाश्त कर रही हूँ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब उसके सबर से बात बार हो गई है। तो अब भाई अभी कापी लेने जा रहे हैं पैसों की, अगर वाकई ही निकाह हुआ तो फिर हम बरात लेके जाएंगे, मतलब छोटी मोटी बरात लेके जाएंगे और भाई शहजाद लोगों के घर जाएंगे, वहां पर दुल्हन को छोड़ेंगे और अगर ना भी माने हमें लड़ाई भी करनी पड़ी उनकी फैमिली से तो लड़ाई भी करेंगे। तो ये वाला दुल्हन वाला हमने ड्रेस भी ले लिया, इधर चेक कर सकते हैं ये दुल्हन वाला ड्रेस रहा और उसको रेडी करवाएंगे। अभी भाई पैसों वाली कापी लेने गए वो भी लेते हैं और हार वगैरह भी लेते हैं ताकि दुल्हन को पूरे प्रोटोकॉल से लेके जाएं, उनकी फैमिली माने अगर निकाह हुआ हुआ तो पहले आपको निकाह फार्म दिखाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं चौक मुंडा, तो आप लोगों को मिलते हैं चौक मुंडा जाके। तो शमसा वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब भाई शहजाद ने ऐसा किया होगा? आजकल के इंसानों का नहीं पता कौन क्या कर सकता है, पता नहीं मेरे ख्याल में। तो अभी फिलहाल तो जैसे उसने हमें कहा है तो हमें तो रियलिटी लग रही थी, तो फिलहाल चलते हैं आप लोग को चौक मुंडा जाके दिखाते हैं कि उस वो कौन सी लड़की है और क्या वाकई ही निकाह उसने किया हुआ या नहीं। लेके आ गए भाई, कितनी गठिया लेके आए और कुछ ये पैसे भी। प्रोटोकॉल असा इतना गिदी मैंने है कि असा कैमरा मैन भी गिदी मैंने थोड़े मतलब सबूत होने वास्ते असा के फोटो शूटी नाल नाल थी दरा सी ताकि अगर भाई शहजाद ना मनना तो वा तुम्हारी वीवर दी सपोर्ट नाल असा घर वसा के यासू, आज जे मर्जी थी भी ऐसा मनी बिस्तर ये के जाए मैंने घर वसा के यासू बिरा अपने दा भेण या सौंदे वास्ते उनके ते उनो बिरा है हां उनो बिरा है उनो भेण है। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। हां चश्मे ला के थक पे खड़े
भाई शहजाद की शादी करम तो पहले पहले असा कुछ खावण पीवण कर गिनो पता नहीं उथ खवैसे नहीं कुटे से पता नहीं पता अगला आके मैं वारिस नहीं बनदा इंदा कुट दे मैं सब को पता है नहीं गाइस इंशाल्लाह जो हक है वो तो सी करके रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि वो उसने फोटो तो हमें भेजी है उनकी फोटो तो इकट्ठे हैं अगर हैं वो कहेगा हमारा निकाह नहीं है तो मैं सोच रहा हूं कि ना कोई मतलब मोली ले जाते हैं ताकि निकाह वहीं पढ़ा के इसके ना मतलब वहां परमानेंट वो करके आएंगे तो मैं ये प्लीज मैं अंजाम दे सकता तस्वीर वगैरह भी आई है निकाह की फोटो भी आई है मैं समझे शायद फेक है लेकिन मतलब भाई शहजाद रिजवान की गाल की भाई रिजवान नु आखे की मतलब इन इन गाल है भाई शहजाद शादी की थानू पता है क्योंकि एक तो गाल है कि वो साडे डिस्ट्रिक्ट लिया तो ही है असा नहीं चाहते कि कहें थी बैनल ज्यादा सारे शहर चौक सारे मेन गाल है कि एक किस्म का फड़ा ही है पहले असें तसल्ली की थी है कि वाकई क्या मतलब ये हकीकत है या सिर्फ एक झूठ से मबनी है उन्दे कुल सारा कुछ है पिया अगर उन्दे विच कोई हो होया तो मैं उन्हें तू है भी मेरे ख्याल राबता की तेरे सामने ऐसा क्लियर गाल की थी उन्दे दे कानूनी कार्रवाई भाई नु सबूत भी दिखाएं पहले भाई नु सबूत भी दिखाएं मैं कापी को मैसेज किया था ना तसल्ली की थी बिल्कुल मैं खुद वो को सा है कि तू अगर फेक में पई या ओरिजिनल है ओरिजिनल है तो सारे कॉल मैं को लगदा पिया भी पहले फेक है पे लेकिन वो ओरिजिनल सारे कॉल आ गए अच्छा हुन कॉल आई है असा हुन अपने निकाह नामे दिखाए जी शहर चौक मुंडा देखने थे मैं वाल शायद भाई ने को आके मैं कि यार मैं को तो कोई समझ नहीं आंदी पे अच्छा शादी बंदा पता दूजी क्यों करंदे अगर तुम्हारी पहले वाली वाइफ पहली गाल है मेरे ख्याल तक करनी नहीं चाहिए अगर करे हो ये सही था अगर पहले वाली वाइफ जड़ी है ना वो अच्छी ना होवे या ए जे कोई मामला तो मैं ना वला भी समझ यार बंदा शो कर देवे अगर आसान असल डाउट पता ही क्या है क्योंकि उन दी एक सारे सराय की पूरे खतज बहु ज्यादा इज्जत है ठीक है जी मतलब सबको ये लगदा है कि शायद कोई चाल होवे कहन दी मतलब उन नाम खराब करना चाहते पे और ये वो असा इसे पर क्लियर गाल की थी है कि मतलब कोई भी रोला होया एक तो त्वाडे तक शेयर इस पर करेंदे पे ताकि हकीकत साडे भी सामने खोल के आवे त्वाडे भी सामने खोल के और मेला मुंडा अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है वो थोड़ा को भी क्लियर थी वे क्योंकि उन्हें अपनी वीडियो ए शो की थी जी मैं तो अपने इलाके दे शादी की थी यार असल में अगर एडा बड़ा स्टार है अगर दूजी करनी है सारे के सामने रख देवे क्योंकि इस्लाम में इत्तेचार दी जाए मतलब ये तो कोनी बात इन कहन दे नाल मतलब कहन दी लाइफ खराब करना अच्छा मेन गाल ये है अच्छा उन्हें जस्ट हम दूजी शादी की थी सारे इलाके दे सारी मान के ठीक है उन्हें उस बाद वो कुछ ही छोड़े बिल्कुल मतलब हर हद तक ना मेरी पूरी कोशिश है कि हक सामने आके रहे जेडी सच गाल है कैमरे में ले लेने चाहिए ताकि ये ना हमारी बिस्ती हो जाए कल को वो सारी गाल सारी आवे मतलब कैमरे टोटली चला गए तुसा भी कैमरा अपना चला आओ इनके साथ गवा हूँ और वो खड़ी हमारी दुल्हन वेट 1 2 3 भाभी अस्सलाम वालेकुम भाभी का शूट चल रहा था यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाभी अगर प्रैंक कह नहीं तो बुला भी जी गाल है सीधी जी दस क्योंकि क्लियर
शादी कर शादी कितने महीने थी गया कितने थोड़े कितने बार कितना अरसा थी गया थोड़ी शादी को वेले मोड़ थोड़ी शादी को ठीक है ताकि मैं अपने व्यूअर को जड़ा कलिया डा सका व्यूअर तुसा सारे व्यूअर आ जाना वेला मोड़ बहुत अच्छा है पिया बहुत अच्छा है पिया आज चांदी में तेरे सामने आ गया वे बाकी जी हाँ मकसद है क्लियर कराने वेला मोड़ा कितना गलत इंसान है मैं तो यार गलत सीधी गल है कहीं जिंदगी उजाड़ना अच्छा काम नहीं मैं तो अच्छा ना समझता तो बाकी अपनी लाइफ जी खुद अपने दसो हमारी जी शादी है 13 अगस्त को हुई थी ठीक थी गया। तो इसने बोला था अभी फैमिली को नहीं बता सकते बाद में हम फैमिली को बता दूंगा मैं उनको राजी कर लूंगा और आप घर ले जाऊंगा। अच्छा तुम्हारी कहने एक मिनट तुम्हारी गाल तो कहना पिया तुम्हारी कहने कोई पिक्स या कोई सबूत है पिया हाँ निकाहनामा है निकाहनामा है पिया मकसद है व्यूअर वेले मुड़े ते एना भाभी उन दी शादी दा निकाह नामा भी है पिया भाई दूजी शादी जले मतलब उन अच्छा ये दसो ते एक चीज मैं माधुरी तरी मला पूछी है कि ये शादी जड़ी हुन वेले मुन ने कीती है आले सारी ब्यादरी उने कने पहले तोरी शादी हुई के बाद थे हुई उने कने पहले शादी हुई अच्छा ते ओ निकाह नामा तेरे कोले पिया आपको दूसरी शादी का पता था कि मतलब उसकी दूसरी हो रही है मैंने वीडियोस देखी शादी की अच्छा मतलब हाँ वीडियो वीडियो अपलोड की थी और ये ओरिजिनल गाली वे व्यूअर ते अच्छा ये बाकी है तो फिर मैं भाई गाल सही में ये काम थाने तक भी मान सकते हैं इतवारे ते भी मामला बांध सकते क्योंकि ऐसा अगर वेला मुंडा तो वेले मुंडे ने आख्या भाई ये गलत है या ये कोई ने किने सबूत कौन भर किने अगर सबूत ना होया तो ऐसा थाने दे तो आपको भी दे सकते हैं ये तो इन्हें सोच के जुलो नहीं मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं तस्वीरें भी हैं निकाहनामा भी है सब जो लोग मौजूद थे वो भी हैं अच्छा कितने बंदे तुम्हारे उस टाइम इकट्ठे हैं जिस टाइम तुम्हारे निकाह थी या तो शादी नहीं मतलब कि कोर्ट मैरिज थी या वैसे आपने रजामंदी से की थी ये किस तरह नहीं घर में की थी घर के दोस्त के साथ और एक दो लोग मेरी तरफ से थे अच्छा तुम्हारे घर के बीच केड़े केड़े लोग हैं मेरे घर वालों को पता नहीं है मतलब लव मैरिज है भाई जी अच्छा भाभी वो तो डन सी गया ठीक है मैं तो व्यूअर मुंह के ने पहले भी भाभी सारे खाना क्योंकि जैसे मैंने ने मैं निकाह ना मारी कहना ना वो वर्क करे ना दिखा सेकंड गाले शो कर रहे हो कि अगर होना सा कैमरे ते ले आने तो इनना जैसा रजामंदी ना ले आने ऐसा ये नहीं चाहते कि मतलब इनन कैमरे हां क्योंकि सारी जेडी फैमिली व्लॉग दे कौन ही आंदी लेकिन एक सबको मजबूरी दे विच अब वीडियो अपलोड करनी पैगी कि ये मकसद है भी इनन दी शादी दा मामला ऐसा क्योंकि तुसा व्यूअर जेडे है ना तुसा सनल हेल्प करवाए सो ई गल तो को जेडा ना ये वीडियो दिखा दे अच्छा तोरा निकाह ना गदी पे थिया ये पै थी तसली है भाई अच्छा वैसे मैं तसली की थी करना मैं रिटी भी करना मैं उन्हें अच्छा भाई भाई गाल तुसा है केस पोर्ट करनी है अगर सच है मतलब तुसा सबूत रिटी करे वे मतलब कि आप अपने भाई का साथ देंगे या भाभी का साथ ना 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 अगर भाई गलत है मैं भाई को बिल्कुल छोड़े सा मैं भाभी का साथ रहे सा अगर भाई असा ही क्लियर गाल की थी कि अगर इन्हा का कोई मसला होया असा इन्हा ते कानूनी कार्रवाई बकायदा करे सो बिल्कुल अगर उन्हा का होया तो उन्हा का नाम बदनाम करे नाम एक उन्हा जिंदगी खराब की गई है ठीक है उन बाद को खर्चा नहीं लेता चलो असा ही नहीं आते कि शादी दूजी करना गलत चलो मैं मने ना उना तो लव मैरिज है तो कर के ना मतलब तो खर्चा दे ना उनको शर्त बात छोड़ना भाई अच्छा एक चीज मैं तो कहूं सारे बसा हूं क्या हुक्म है मकसद सारे के दोस्त पहुंच गया असा ने वीडियो बना के दिए असा हूं क्या कर के दो सारी क्या हेल्प करना चाहते हैं मतलब मैं काफी शायद भाई उन सारे खाने से क्या हेल्प करूं मैं चाहती हूँ मुझे भी मतलब वैसे हकूक दे घर दे और उसके बाद खर्चा दे जो मेरा बनता है क्योंकि अब तो मैं घर भी नहीं जा सकती अच्छा आप मतलब ये चाहती हैं कि आपको वो जैसे अपनी दूसरी बीवी को रख रहे हैं आपको भी साथ रखें जी शादी की थी ना ठीक है वो मन वैसी और मैं था खुशी ने आले माहौल दिलो ऑलरेडी सारे गाँव में शादी सारी गेम सुनती तो अभी भाभी थी वजह तो ना उन सब जो स्मोक तो दिते उन आके के मतलब कि नहीं वाकई मतलब भाई रिजवान पर नहीं के मतलब उन ने क्या पता जेले भी लोग जैसे बात पर तुम ना दिस सीरीज भांडा पट सी एक मिनट में जरा पतला शीशा खोलो व्यूअर ये ऐसा गाइस मैं बाहर निकल रही मैं तो पता है लेकिन उन्होंने साफ अपनी भाभी को दिखाने हैं भाभी तुसा जरा देख घनो ना ताको दिखाई बने रिटिव ये तारे वेले मोड़ किस्मत चेंज करा नहीं है पोली वे कैसा लग रहा है पोल को देख के अच्छा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है या दिल बाहर बाहर हो रहा है ओ गाइस हमारी भाभी दुखी दुखी हो रही है लेकिन हम अभी बेहतर करते हैं कुछ गाइस माशाल्लाह भाई शहजादों के घर पहुंच गए कोई बाहर का नहीं दुल्हन को उतारे भाभी को उतारो अभी नहीं 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 अभी अभी बैठे रहे गाड़ी में आप गाड़ी दही से चले गड़ा आए से चलता गाइस बाहर जाके थोड़ी सिचुएशन वगैरह देख हम भाई चलते हैं कैमरामैन कैमरामैन सब उतर चुके हैं इधर सारे आ चुके हैं मेरा दिल डूस होते पता है
मैं भी इनका फोटो शूट कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मेरा कैमरा ना छीन ले। हेलो ठीक है भैया, एक खुले पैसे हैं भाई, ये भी देना ना, उन्हें तो 150 पता लगे भाई। आपने फुल माहौल माले नहीं हो अच्छा, हम डोर कितना भी है ठीक है भैया, उठो खुशी का माहौल है यार, मतलब मैं तो समझा वेले होने की तेरी जी शादी समझी भी उस शादी का माहौल है, जो जी भाभी को एक टेंशन ना होवे कि मतलब मेरा वेलकम नहीं निकला, वेलकम अच्छा जाने नहीं था ठीक है। वो जरा सॉन्ग गाना जंज त मैं देवी रण दी, जंज त मैं देवी रण दी कारा ते नाम आवे आल है मेरा हाथ इस भाभी का रिएक्शन है, सारी भाभी रो दी तरी में बैठी, नहीं नहीं वो रो नहीं रहे, वो हंस रहे हैं, हंस रहे हैं असान रोना है, वो देखो क्यों थी बैठी, नहीं वो हंस रहे हंस रहे हैं। महीनों की मेहनत का आज रंग ला रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं वो मेहनत इंशाल्लाह। अच्छा क्या मैं हां ओ भाई ऐसा नहीं पहनते, हां रस्सा नहीं पावणे ओ हां रस्सा नहीं पावणे, जांज साडे बह वीरण दिए शराद वीरण दिए हां वो जांज दूजे दिए ते पहने ऐसा पहने, सब हम लेके आ गए हैं लेकिन अब हम ढोल वगैरह बजा रहे हैं कि भाई शहजाद लोग बाहर आए तो सारी देखते हैं, मतलब इनसे बातचीत करते हैं, दरवाजा खटकाया है, कहा है कि ना शहजाद को बाहर भेजो, बाहर पहुंच चुके हैं, मैं काफी होने सारे। अच्छा क्या नाम है, थोड़े शुगर बढ़ा चो यार, हक मैं हाथ मतलब सारी दूजी भाभी का ही हक बन दे कि मतलब ढोल बजा से झूमर मरे तो ढोल वाले तू सा इधर ही ना इधर ही बजा खड़ा शादी माला पिलाओ माला पुआ माला पुआ शशा ए तेरा कैमरामैन दे ओए माला पुआ माला पुआ माला दा पा खड़ो माला दा पा खड़ो तो इकट्ठे करो फोटो शूट करो फोटो शूट करो कैमरा का हाथ में पकड़ हाथ मैं साथ हो थोड़ा सुहाब में थोड़ा साथ हो भाई जान मैं क्यों कह दी प्रे रंद नाल साथ दी ओए शादी आप उसको बहन बुला रहे हो अल्लाह के बंदे, वो आपकी है ही नहीं बीवी, मैं कुछ जानता ही नहीं, तो मैं कैसे दूसरी को अपनी बीवी मान, आप बताओ आप इसके साथ करेंगे, आपके पास प्रूफ है ना, निकाह निकाह मुझे निकाह हुआ था
12-13 अगस्त को। इतना सोच के बता रही है, निकाह भी भूलता है किसी को अगर हुआ होता। भाई जान से काट भी नहीं सकता। 6-7 महीने गुजर गए, आप ने दूसरी शादी क्यों की? देख भी पहली बार अभी तो आप हमने दिखाया ही नहीं है, अभी तो घूंघट ऊपर है। जब देखोगे आपको तसल्ली हो जाएगी। भैया जी से हमने शादी की। एक मिनट सब्र करो यार, एक मिनट भैया ले फोटो शूट की थी। नहीं फोटो शूट के बाकी सारे काम बाद में करो। हां सर भैया, ओए बाऊ है तो शादी कर की अगली को दसाया ही कौन भी मसला। चुप करो तुम चोर से क्या लगता है भाई जान सा चौक मुंडे सारे किन्ने सारी स्टोरी सुनने को प्रूव है। मैं जानता ही नहीं हूँ तो भूल कैसे गया हूँ आपको। नहीं सही सही दसो, कोई ड्रामा है भाई जान? एक काम था, चप्पल लगते पहने सब यार, तो साउंड के नाल खुद डिस्कस करो। गाल ये यार मैं मजाक भी आज के पास में कहां फर्म है। तो व्यूअर इनर कोई ड्रामा हो से पिया, कोई प्रैंक हो से पिया, कोई वीडियो दिखता था यार तो बनाने का ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं ड्रामे कर रही है, ड्रामे कर रही है आपके साथ, ये ड्रामे कर रही है, ड्रामे है। चेक करो, उस समय बड़ी कसमें उठा रहे थे मैं घर लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फोटोग्राफर लगा वे फेक निकाह नामा चाहिए तो निकाह थी द्वारा निकाह थी उस टाइम फोटो शूट थी कैमरा मैन ये है ना। ऐसा नहीं बताए इनको। हाँ जी इनका शूट मैंने किया था इन दोनों का उधर लैया में, पार्क में आप दोनों ने करवाया था। और जो तेरी डेट याद है, वो बुजुर्ग है 13 अगस्त था शायद उन दिनों में। डेट भी मैच हो रही है भजन थारी चिट्टी डाड़ी है, तुसा क्यों कूड मरेंदा पियो बिलावा जाई में? भजन मैं कूड नहीं मरेंदा पिया, मैं तो सत्तवीं च पढ़दा हूं, मेरे दी चिट्टी डाड़ी मेरी ते तो मैं इथा वैसे कलर करे ना इस डाड़ी को। इंदा तो कोई डाड़ी दा कोई तस्वीर दा कुछ नहीं। देख निकाह तो बड़ा कोई प्रूफ का नहीं होता ठीक है। बाकी नहीं नहीं एक मिनट तू सर निकाह देख के भी यकीन क्या ना करे सो। देख रास तेरी मेरी मुलाकात करण थई पहली दफा लैया में हुई थी। किस जगह पे हुई थी लैया में? लैया पार्क में। लैया पार्क में? मैं तो पार्क में जाते ही बहुत कम हूँ। कोई सबूत दिखाओ मेरे, आपके साथ मेरी कोई पुरानी पिक्चर है जी? बिल्कुल है, सेल्फी है मेरे पास। हाँ तो दिखाओ। और मैं दिखा दूंगी। मैं कब दिखाओगे यार वो निकाह का? गर्मी प्रैंक करूं या मतलब अपने आप गर्मी रोलूं? पता क्या तुसा जेड़े यूट्यूबर या सोशल मीडिया दे लोग ना यकीन ना मैं कुथा दे तुसा कह नहीं शक्ल तो दिखाओ ना। शक्ल दिखाओ। अच्छा वल्ला बा खुदा इस बंदे को मैं कौन नहीं जानता। सामने देखो भाभी, सामने देखो कैमरे का ओ भाभी दा हाल दिखाते बैठे आज। ए तो टिकटॉक करे मैं पहचान गया, ये टिकटॉक करे टिकटॉकर मुझे मैंने आपको कहीं देखा है, आपकी शक्ल देखी देखी लगती है मुझे पता है आप एक टिकटॉकर। झूठ ना बोल रहे आप। मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं? टाल ना शहजादे मैं को ये दसा ये जीत तक जीत गई है तू सारा पग मान भी रहा है मैं पिया तंगी गाल ओ तो तय को तू मैं फिर तो रेले वाले गठे क्या यार मैं रेले आया 15 से मैं 15 सड़ी गए मैं रेले आया।
तेरी जो शादी का मसला है तो जो मेरे को इतना क्लेम कर रही जान वो अगर तुम्हारे ना लोस्टम चोरी जो की थी खड़ी है घर वाले उन्होंने रखे से नहीं दिया और आप मेरे पास उठ के आ गई हो यकीनन आप जो जो ड्रामा है ना सही सही मुझे बताओ एक मिनट साइड पे आओ एक मिनट मेरे साथ साइड दे भाई सब दे भाई ओए साइड दे तो सब कोई नमा पंगा ना पा गया मेरी वाइफ है ना हां चल 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 भाई नहीं ना हो ना तो सब ये शक्ला पाड़ के ना गाल सुनो गाल सुनो तो सामने को प्रैंक करना ना मैं कुएं तो सीधे सीधे जा अगर शूट करना वाले रूम में तुम्हारे दुआएं था हां बाकी छोड़ो बिना दा छोड़ो चिट्टी दाड़ी वाले दा काम लेके अभी कैमरे जल्दी रास अंदर कैमरा बंद थे हां ए ना मेरी बीवी है तो सा कैमरे किधर बात चली ओ भाई वो सा कैमरे वहां पे सामने कह रहे थे कि बाहर कहानी थोड़ी तो यार गला छोड़ दे एक गलाड़ी गा ले चाचू गाइस आगे चल भाभी जड़ी हो सामने ही खड़ी हो हाल वाला जो टकराओ क्या सीन है जड़ा मैं को नहीं पता मैं को आपको भाभी जिले मैं को रसाए मैं वॉइस और निकाह नामा भी अपना नाल चाहिए और इन्हें शादी जड़ी हूं की थी ये तो पहले इन्हें दूसरी शादी की थी हुई है साहब को इसका तक रसाए को ना जी वो हूं थाने तक वैंदे शुक्र है मैं थाने को साहब को पहले गाल लसी ने पता नहीं कर के ना के मतलब असल हकीकत क्या है ऐसा पूछने की कोशिश की थी मन ने नहीं सही गाल है तो हां मतलब सारी ना लीना शेयर की थे कि मतलब भाई शहजाद मैंने नाल पहले शादी की थी तो दसा कहनु नहीं सी तो हूं वसावने नहीं चांदा ता ता पर शहजाद को भेजो या हाई कोर्ट सदो ना वो हूं घर वाड़ गया चलो शादी की थी मुझसे इसने कहा था मैं घर बात कर लूंगा फिर इसने चोरी शादी कर ली इधर आप लोगों के कहने पे पहले जब मेरे पास आता था फिर इसने छोड़ दिया ना वहाँ पे अबू जी यकीन करो थोड़ा मेरे इतबार होना चाहिए ਅਬੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਕਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਣ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਖਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਥੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੀ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਥੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰ ਖਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੀ ਆ ਕੇ ਖਿਲਣ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ ਰੱਖ ਚਲੋ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਹੋ ਅੰਦਰ 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 ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਭਾਬੀ ਇਤਨਾ ਰੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋੜ ਗਾਲ ਸਾ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਰੋਣਾ ਲਾਤੀ ਆ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅਲਗਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਂ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਮੋਗੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਲੋ ਖਰਚਾ ਲੈਣੀ ਛੋੜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਮਰੀਠਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਛ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੀ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀ ਵੇ ਇਹ ਕੋ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਭਾਬੀ ਮਾਵਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾਲ ਥੀ ਵਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਤ ਆ ਜੇ ਜੁਲਦੇ ਪੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰੱਖ ਮੈਂ ਵਸਾ ਸਾਂ ठीक है अबू तो अबू साहब को सब यकीन कहने पक्का के दिखा ना मैं कुने दा प्यारे गाल से दे वाला मैं मेरी जान ने चल ना मेरी दुल्हन ने ना और रोक 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 और रोक ए भाई रहने के भाई की रान नहीं मैंने गाल से ने तू तक कह तो सीरियस नहीं है बस सुन चल मैं ऐसा लगे एक मिनट बाद ड्रामा करने फ्रेंड को असल हकीकत से ने एक मिनट बाबू एक मिनट ए भाई रिजवान सारे नाल प्रैंक है मैं कुना मिलन तो रे बाबा मैं जितनी आज खेल रोकी है ना सारा ये ना होता है मैंने बड़ा मेरा मैं तबादला सामने
चाचा